हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई है कि इतनी 10-12 दिन से जो एक ट्रॉमा में गए हम, इतना संघर्ष किया हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जगह, और फाइनल फिल्म रिलीज हो रही, बहुत खुशी हो रही है। और आज एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है, क्यूँकि पूरा हमारा कास्ट एंड क्रू दिख रहा है पिक्चर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कीर्ति जी बताइए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर, और बस अब इंतज़ार है दर्शकों के फिल्म के देखने का, और उनके उनके फाइनल वर्डिक्ट का, उनके प्यार का। इसका जवाब बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिवाइजिंग कमेटी ने जो पिक्चर देखी उनको बहुत अच्छी लगी पिक्चर, उसके बाद जो एसेंस है पिक्चर का बिल्कुल नहीं कटा, दो छोटे छोटे कट्स दिए उन्होंने, दो जगह बीप था, बीप मारने हमको कहा वो कर लिया, और डिस्क्लेमर था बस, तो और बाकी जो 16-17 कट्स थे बहुत एज इट इज रहे, वो बहुत बात की खुशी है। कल की तैयारी कुछ नहीं सर, सवेरे हमारा 2-4 इंटरव्यू है वो करेंगे हम, और फीडबैक लेंगे सबका, कैसे लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया में इतना पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों ने टिकटें बुक की है ऑल इंडिया, तो इस बात की खुशी है। और मैं यही चाहूँगा कि लोग सराय पसंद करें और वो पिक्चर अच्छी लगे उनको। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत थोड़ी नर्वसनेस भी है फिल्म को लेकर, लेकिन आई थिंक, हाँ मैंने कहा बहुत खुशी ऑफकोर्स है, बहुत एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है कि क्या होगा कल, कैसे रिएक्शंस आएंगे, बट आई थिंक हम इतनी दूर तक पहुँचे हैं, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, एंड थैंक्स टू मधुर, इनके बिना ये फिल्म रिलीज़ होना मुझे तो मुश्किल लग रहा था। थैंक यू।